बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं और नवीन जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा आज क्लैश की सूरत हाल क्रिएट हो गई थी। छठा मैच जब जारी था लंका प्रीमियर लीग का, तो नवीन काफ़ी गुस्से में आ गए थे जब वो बॉलिंग करवा रहे थे मोहम्मद आमिर को, और आमिर के साथ काफ़ी गहमा गहमी हो गई थी उनकी। आमिर को लगातार जब आमिर ने पहला चौका लगाया था उनको 18वें ओवर में, तो नवीन तभी चिढ़ गए थे उनसे। और आज के मैच में चेज कर रहा था ग्लैडिएटर 197 रन का ताकुब, जो कि हार गया था आज। लेकिन जब मैच की सूरत हाल 19वें ओवर में पहुंची, तो आमिर ने पहले ही गेंद पर नवीन को लगा दिया था छक्का, और जिसे देखकर नवीन काफ़ी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने काफ़ी चिढ़ाना भी शुरू कर दिया था आमिर को। आप लाइव रिएक्शन देख सकते हैं उनका कि कैसे वो चिढ़ा रहे थे मोहम्मद आमिर को, आखिरी गेंद तक वो चिढ़ा रहे थे। और आखिर में भी जब ओवर ख़त्म हुआ, तो वो उन्होंने बहुत क्लैपिंग करके जैसे उकसाते हैं प्लेयर को, वैसे किया कि हाँ तुम नहीं जीत पाए, तुमने कुछ नहीं किया। और आमिर को काफ़ी ज़्यादा वो चिढ़ा रहे थे, लेकिन आमिर काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे कि किसी तरह लड़ाई की सूरत हाल जो है क्रिएट ना हो पाए। लेकिन फिर भी बार बार नवीन जो थे वो उकसाई जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि जब आमिर पवेलियन की तरफ जा रहे थे, फिर भी पीछे से नवीन उनको बोल रहे थे कुछ ना कुछ जुमले, गलत जुमले बोल रहे थे पाकिस्तान के बारे में। और मोहम्मद आमिर समझा रहे थे उनके साथी क्रिकेटर्स को नवीन के, कि ये गलत जुमले बोल रहा है, मैं अपने कंट्री के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता। लेकिन ये नवीन बार बार गलत जुमले बोल रहा है। और जाते हुए हाथ लगाया मोहम्मद आमिर ने, मोहम्मद आमिर ने सिर्फ हाथ लगाया कि अपने जुमलों पर थोड़ा कंट्रोल करो, मैं अपने मुल्क के बारे में कुछ नहीं सुन सकता हूं। और मोहम्मद जो और नवीन जो थे जब दूसरी तरफ वो वापस जाना चाहते थे मारने के लिए मोहम्मद आमिर को, लेकिन उनके साथी खिलाड़ियों ने रोका कि कुछ नहीं यार, उन्होंने तो सिर्फ हाथ लगाया, तुम्हें ऐसे हाथ लगाया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोहम्मद आमिर ने काफ़ी अवॉइड किया उनको, नवीन को। और जब ये सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई, तो शाहिद खान अफरीदी भी ये लाइव देख रहे थे, और उनको जब पता चला कि पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोल रहा है नवीन, अफ़गानिस्तान का जो प्लेयर है नवीन, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में गलत जुमले बोले हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत गलत हैं, ये है वो है, तो उन्होंने भी काफ़ी गुस्से वाला रिएक्शन दिखाया नवीन को। खा जाने वाला बब्बर शेर वाला रिएक्शन था शाहिद खान अफरीदी का। Win by 25, the Kandy Tuskers, they're off the mark. Good performance and an even better ending with the smiles coming out. Well, Shahid Afridi, he's going to have to... और शाहिद खान अफरीदी को जब इस बारे में पता चला, तो शाहिद खान अफरीदी का रिएक्शन आपको दिखाते हैं। That's nice to see some from Kushal Mendes, by the way, getting involved straight away. Making sure the play can chill a little bit now because they've done a really good job, but I think this is going to go on for some time. This one we might see round two at some stage. But here we go, standing his ground. Win by 25, the Kandy Tuskers, they're off the mark. Good performance. शाहिद खान अफरीदी जब मिल रहे थे साथी प्लेयर्स से, तो उन्होंने जब नवीन ने दोबारा शाहिद खान अफरीदी को गुस्से में कुछ बोला कि तुम लोग पाकिस्तानी गलत हो, ये है वो है, जब नवीन ने दोबारा से शाहिद खान अफरीदी को कुछ बोला, गलत बोला, तो शाहिद खान अफरीदी ने बोला कि जाओ अपना काम करो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा इतना कैरियर नहीं है जितना मेरा तजुर्बा है, और जाओ अपना काम करो। और कैसा लगा आपको शाहिद खान अफरीदी का आज का जो रिएक्शन था, और क्या लगता है आपको किस प्लेयर की गलती थी आज के मैच में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और शाहिद खान अफरीदी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर शाहिद खान अफरीदी के लिए कोई जुमला कहिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह की मजीद स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं हम अपनी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Win by 25, the Kandy Tuskers, they're off the mark. Good performance and an even better ending with the smiles coming out. Well, Shahid Afridi, he's going to have to show up and try and take his team through. Afridi's having a go. He wants to know what's going on. What are you doing with my bloke there? The interesting thing, that would have been a conversation in Pesto. Afridi's up for time.
He would have won. That's what's given them. Here we go. Here's Afridi. A score to defend. The senior pro, letting him know exactly what he feels about things.